आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने दिया धरना प्रदर्शन। वाराणसी के वरुणापुर स्थित शास्त्री घाट पर दिया धरना प्रदर्शन। वाराणसी 8 जनवरी 2019 उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ आंगनवाड़ी बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 8 जनवरी मंगलवार को वाराणसी के कचहरी स्थित शास्त्री घाट पर आंगनवाड़ी महिलाओं व उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर वेतन वृद्धि को लेकर शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के संयुक्त मंत्री कल्पना सिंह सहित परवीन सभाना, सीमा सिंह सहित कृष्णा कुमारी अन्य लोग शामिल थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो सुंदर कांड है, आगे लंबा कांड है, अभी तो सुंदर कांड है, आगे लंबा कांड है। जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। मैं डॉक्टर कल्पना सिंह वाराणसी जनपद से, वाराणसी जनपद की जिला उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की शहीद। आज किस प्रकार का आप लोग धरना प्रदर्शन किया? ये हम लोग संयुक्त मोर्चा बनाए हैं क्योंकि हमारी मांगे, हम लोग विगत कई मतलब समझ लीजिए 2-3 वर्षों से ही अपनी मांग उठा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम न्यूनतम मजदूरी हमको दें और एक मजदूर के बराबर 18,000 रुपये दें। हमने तो पहले ऐसा 10,000 पे ही तैयार हो गए क्योंकि 10,000 कम से कम हमको जीवन भरण पोषण के लिए दे दें, फिर भी नहीं माने तो हमने फिर न्यूनतम मतलब एक जो मजदूर की मजदूरी होती है उतना 18,000 हमको मान दे कम। मुख्य मांगे क्या हैं आप लोग? मुख्य मांगे पहला है, पहली मांगे तो आप लोग ये बात जान लीजिए, मीडिया बंधु से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी बहनें पिछले, पहली मांग हमारी ये है कि जितनी हड़तालें हुई, जितना प्रदर्शन हुआ, हमारी बहनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 महीने का मानदेय इन लोगों का काट लिया गया है, बहुत बहुत आंगनबाड़ी बहनों का। पहला तो पहली मांग हमारी है आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर के रुके हुए मानदेय तत्काल भुगतान किए जाएँ बिना स्पष्टीकरण मांगे हुए, मनमाने ढंग से किसी की सेवा ना समाप्त करें और अधिकारी कर्मचारियों का शोषण बंद। आप लोग मांगे अगर जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो क्या करने वाले हैं? हम लोग की अगर मांग पूरी नहीं हुई, आज तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे आज हड़ताल किए हुए, 2 दिवसीय हमारी हड़ताल है, 9-10 कहाँ कहाँ चल रहा है? पूरे देश में उत्तर प्रदेश से विशेष तौर पे पूरे देश में राष्ट्रीय जो ये देखिए संयुक्त मोर्चा संघर्ष बना है, इसमें कई संगठन है। कितनी आप लोगों की मांगे हैं? आप लोग हमारी ये मांगे हैं, दूसरी मांग है आंगनबाड़ी वर्कर्स को Grade 3 हेल्पर का Grade 4 कर्मचारी के रूप में नियमित करो, कम से कम 18,000 रुपये प्रतिमा न्यूनतम मानदेय, 3,000 रुपये पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ और मानदेय प्रतिवर्ष 10% में वृद्धि। तीसरी मांग हमारी ये है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर दोनों को बीमा प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराए जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बीमा के लिए कहा था कि बीमा दुर्घटना बीमा होगा।